अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। जी तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं आई हूँ फार्मेसी में, क्योंकि मैंने परचेज़ करना है नेबलाइज़र छोटी बेबी के लिए, मिर्हा के लिए। उसकी तबीयत थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, थोड़ी तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, तो उसके चेस्ट में से जो है वो आवाज़ आती है जब से वो पैदा हुई, तो हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को फौरन अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो तब से यही था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही हॉस्पिटल में चेकअप करवाया है तो वो कह रहे हैं कि आपने इसको जो है बेबी को मिर्हा को मॉर्निंग में और नाइट में लाजमन नेबलाइज करना है, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस इसी वजह से नेबलाइज़र जो है वो मैं परचेज़ करने के लिए आई हुई हूँ। कहा तो उन्होंने ये था कि अगर आपके पास कोई डॉक्टर वगैरह है तो आप मॉर्निंग में और नाइट में इसको लेके मिर्हा को तो आप नेबलाइज़ करवाएं। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, विंटर्स ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो इस तरह छोटी बेबी को आप लेके बार बार जाते हैं तो ये भी ज़्यादा सर्दी लगने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलें क्यों ना इसको परचेज़ कर लिया जाए नेबलाइज़र को। तो आज का व्लॉग जो है वो इसी पर है, और मैं आपको दिखाऊँगी कौन सा नेबलाइज़र जो है ना वो बेस्ट होता है, आप परचेज़ करें उसको। ये यहाँ पे सारी नेबलाइज़र की वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं, मैंने लिया है चेकअप, आई थिंक चेक पॉइंट का है वो, तो वो बहुत अच्छा था। ये जो है ना सर्टिज़ा का, ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जब हॉस्पिटल्स वगैरह में भी देखते हैं तो नर्सेज वही यूज़ कर रही होती हैं, तो इसी वजह से मैंने उसी को परचेज़ किया। इसकी रेंज तकरीबन 35 चेक पॉइंट का, ये आपको अभी मैं दिखाने वाली हूँ, वो बहुत बेस्ट है। ये चेकअप का यहाँ पे आपको अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए नेबलाइज़र, ये मैंने परचेज़ कर लिया है। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं, एक छोटा सा पास में रेस्टोरेंट था उसमें आए हैं हम लोग हॉट विंग्स खाने के लिए। यहाँ पे किसी ने बताया था कि यहाँ पे हॉट विंग्स जो है ना बड़े मज़े के होते हैं, तो मैंने कहा चलें, रेस्टोरेंट छोटा हो या बड़ा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसका टेस्ट होता है, अगर आपको वो अच्छा लगे तो फिर तो क्या ही बात है। और ये देखें यहाँ पर अभी विंटर्स है, फ़ैन चल रहा था, और ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छा बना हुआ था, बस छोटा सा है, तकरीबन 4 से 5 फैमिलीज़ जो है ना वो यहाँ पे आ सकती हैं। इसके अलावा एलसीडी भी लगी हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी देख सकती हैं। तो मैंने अयान के लिए यहाँ पे कार्टून्स लगा दिए थे, क्योंकि पहले सॉन्ग लगे हुए थे, मैंने कहा ये तो बुरी बात होती सॉन्ग नहीं लगाने। और ये मेन्यू है, मेन्यू में मैं देख रही हूँ कि क्या मंगवाया जाए, और साथ मेरे जो है ना वो छोटा देवर है, तो उससे भी पूछ रही हूँ कि भाई आपने क्या खाना है आप बता दो। ये देखें ये विंग्स मंगवाए गए हैं, हॉट विंग्स, ये बहुत ही मज़े के थे, बहुत मज़ा आया, इसको इंजॉय किया। और आप भी लाजमन यहाँ पे आएँ अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं, तो ये फैसलाबाद में गुलबर्ग वाली साइड पे है, बहुत मज़े के हॉट विंग्स हैं, आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।